आज हमारे पास एक वीजू की 50 इंच की एलईडी रिपेयर होने आई है। एक्चुअली वो पार्ट इसमें एक्चुअली ये डेड था, तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक कम्बो कार्ड लगा हुआ है इसमें, तो कम्बो कार्ड में एक्चुअली हमारा ये स्टैंड बाय था, ये आपको दिखाता हूँ। ये रेड लाइट आ रही थी, तो मतलब ये स्टैंड बाय था, इसकी पावर नहीं ऑन हो रही थी। तो इन्होंने कम्बो कार्ड एक्चुअली इसका ऑपरेटिंग में सिस्टम बताता हूँ कैसे ऑपरेट किया हुआ था इसमें। अब कम्बो कार्ड में 12 वोल्ट तो हमारे डायरेक्ट ही बन जाते थे, तो इसमें क्या किया उन्होंने, एक बूस्ट ऑफ सर्किट लग जो बैक लाइट ऑन होने के लिए बनाया हुआ है, यानी तो ये SMPS सर्किट लग से बना हुआ है। तो ये SMPS सर्किट को एक बैक लाइट की पल्स जाती थी, ये एक्चुअली हमने ये कार्ड 56U6 कार्ड लगाया हुआ है, तो इसकी एक पल्स इसको मतलब कहने का मतलब ऐसे बैक लाइट को जाती थी, तभी ये हमारा ये सर्किट ऑन होता था। तो इसमें क्या करा हमने, क्या किया इसमें एक अलग से एक कार्ड इसमें ज्वाइंट कर दिया हुआ है, 56U6 का कार्ड है जो हमने अलग से ज्वाइंट कर दिया हुआ है। इसका हाफ सेक्शन हमने सप्लाई और बैक लाइट ये यूज़ कर ली हुई है। तो कहने का मतलब है मैं इसका डिटेल अभी उसकी वोल्टेज के बारे में भी बताता हूँ कार्ड का। ये कार्ड का हमारा एक्चुअली प्रोसेसर ख़राब था, और प्रोसेसर ख़राब हमारे इधर 3.3 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज कोर वोल्टेज बन रहे थे, और 5 वोल्ट भी बन रहे थे। और हमारा एक्चुअली सॉफ्टवेयर भी ओके था इसमें, हमने फ्लैश आईसी लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर भी चढ़ के देखा वही भी ओके था। तो हमारा बेसिकली ये आईसी प्रोसेसर आईसी हीट होता था। तो हमने क्या किया, इसको हाफ सेक्शन इसका कम सप्लाई और बैक लाइट का हाफ सेक्शन इसका यूज़ कर लिया हुआ है, तो हमारा ये सेट ओके हो गया हुआ है। तो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, हमारा ये सेट है, हमने कम्बो कार्ड ये यूज़ किया हुआ है। ये देखो दोस्तों, हमारा ये सेट बिल्कुल ओके हो गया हुआ है। कहने का मतलब है जब भी आपके पास ये सिस्टम ऐसे कार्ड आए, तो हमने हाफ सब कार्ड यूज़ कर सकते हो। हवा हमारा हमने कार्ड लगा के इसको मतलब कहने का मतलब इन्वर्टर सिस्टम में हमारा यही और सप्लाई यही यूज़ हो जाती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।